गुड तो आफ्टरनून आकाश रानी कैसे हैं आप सब आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरी वन आज हम स्पीशीज इन न्यूज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं एंड समझने वाले हैं कि आने वाले एग्जाम में किन किन स्पीशीज के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं हो सकता है कुछ पैटर्न अलग हो बट ये जिन भी स्पीशीज के बारे में हम बात करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पहले क्वेश्चन को और यहाँ पर हम क्वेश्चन के थ्रू इन स्पीशीज को रिवाइज करने की भी कोशिश करेंगे तो पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रैकल्स इट इज अ वाइल्ड कैट स्पीशीज नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका इट फॉल्स अंडर द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम इन इंडिया इट इज नॉक्टर्नल एनिमल हाउ मेनी ऑफ द अबर स्टेटमेंट आर करेक्ट आपके पास ऑप्शन है ओनली वन ओनली टू ऑल थ्री नन एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए आपको पर्याप्त टाइम दे रहा हूं आप क्वेश्चन को देखिए करने की कोशिश कीजिए हो हो सकता सकता है है आप आप सही करें 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 गलत भी करें। But करें जरूर इससे कही कहीं कहीं ना मैं ये चाहूंगा कि अगर आप गलती करेंगे तो उससे सीखेंगे। कोशिश कि आप इन क्वेश्चंस को ये पहली स्टेटमेंट अगर बात की जाए तो थोड़ी गलत है गलत क्यों है कि देखिए यहां पर ये आपको अफ्रीका में भी देखने को मिलती है आपको वेस्ट एशिया वाले पार्ट में भी देखने को मिलती है इवन सेंट्रल एशिया के पार्ट में भी देखने को मिलती है और साउथ एशिया वाले पार्ट में भी देखने को मिलती है मतलब एशिया एंड अफ्रीका में इन दो कॉन्टिनेंट में स्पीशीज देखने को मिलती है ना कि साउथ अमेरिका में तो ये जो पहली स्टेटमेंट है यहां पर इनकरेक्ट हो गई अब स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम बेसिकली उन स्पीशीज के लिए है जो आपकी थ्रेटन कैटेगरी में आती है थ्रेटन कैटेगरी में इन द सेंस क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड या वनरेबल कैटेगरी में हो कोई अब यहां पर अगर इन स्पीशीज के बारे में बात की जाए तो लगभग 21 बाईस स्पीशीज आपकी इस कैटेगरी में आती है जैसे आपके टाइगर हो गए आप क्रोकोडाइल को देखते हैं डॉल्फिन को देखते हैं वाइल्ड बफेलो उसके बारे में आपने सुना होगा और उसके अलावा आपकी ये क्रैकल भी इस कैटेगरी में आती है वल्चर्स भी आते हैं तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है अब इस स्पीशीज को देखना थोड़ा मुश्किल रहता है इन स्पीशीज को देखना थोड़ा मुश्किल रहता है रेयर साइट है क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं देखिए इसके लिए जिम्मेवार है एक चीज दैट इज ये नॉक्टर्नल नेचर की है नॉक्टर्नल नेचर मतलब कि रात के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं एज कंपेयर टू तो द डे टाइम ये जनरली जैसे जो पक्षी होते हैं जो बर्ड्स होते हैं उनको खाते हैं लाइक फ्रॉग्स वगैरह खा लेते हैं या जो भी छोटे मोटे आपके मैमल्स होते हैं ये उनको खा लेते हैं तो यहाँ पर आपकी सेकेंड और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आंसर बनेगा आपका ओनली टू पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है क्योंकि इसकी जो एरिया बताया जहां पर ये स्पीशीज मिलती है वो थोड़ा गलत बताया अफ्रीका और एशिया में ये देखने को मिलती है ना कि थ्रू आउट द लाइक साउथ अमेरिकन पार्ट इस वजह से आंसर बना ओनली टू अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबल डेक्लोरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन आपको पता होगा दुनिया में छह रिवर डॉल्फिन मिलते हैं जैसे इंडस रिवर होगी इरावडी होगी

टिंग अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस रिड्यूसिंग पोल्यूशन एक्सपेंडिंग रिसर्च एंड इंक्रीजिंग प्रोटेक्टेड एरिया फोकस ऑन रिकवरी ऑफ रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन एंड प्रेजेंट टेक इन अकाउंट हेल्थ ऑफ देर है यहां पर आपको पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन है आपके पास वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली वन टू थ्री वन एंड थ्री सुदीप का आंसर आ चुका है आकाश का आंसर आ चुका देखिये अगर बात की जाए यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया अमेरिका और साउथ अमेरिका और एशिया में इसकी छह स्पीशीज हैं टोटल आपकी लाइक इन डॉल्फिन्स की टोटल थर्टीन कंट्रीज थी जिन्होंने अक्टूबर में एक मीटिंग हुई थी अक्टूबर दो में उसमें पार्टिसिपेट किया था जिनमें से ग्यारह ने इस बात में रजामंदी जाहिर की है कि हमें एक ग्लोबल डेक्लेशन फॉर रिवर डॉल्फिन साइन करना चाहिए इसमें इनको चार मेजर थ्रेट्स हैं जैसे हमें अनसस्टेनेबल फिशिंग जो होती है जैसे नेट आपने फेंका उसके बाद क्या होता है कि जो भी जाल में फंसी मछली आप उसे निकालते हैं वो मर जाती है उस समय और कई ऐसी मछलियां पकड़ी जाती है जिनको वो पकड़ना भी नहीं चाहते हैं तो वो जो अनसस्टेनेबल फिशिंग है उसको खत्म करना रिवर में पोल्यूशन होने के कारण कई ब्लूम आपको देखने को मिलता है जो कि सनलाइट को रोकता है और इसकी वजह से पानी के अंदर सनलाइट नहीं पेनिट्रेट कर पाती अब क्योंकि पानी के अंदर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है तो इसके कारण आप ये देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस उस वाटर में हो रही थी वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है और ये मेजर कारण बनता है कि वो इकोसिस्टम मरने लगता है तो यहां पर उस पोल्यूशन को रोकने के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा यस रिसर्च एक्सपैंड करना चाहते हैं ताकि हमें ये पता लग सके और क्या क्या कारण है जिनकी वजह से ये रिवर डॉल्फिन मर रही हैं इनकी पॉपुलेशन खतरे में है फिर हम ये भी चाहते हैं कि जो इनके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको हम एक्सपैंड कर सके बढ़ा सके ताकि इन्हें कंजर्व कर सके तो यहाँ पर अगर एक्सपेंडिंग रिसर्च की बात की जाए या पोल्यूशन को रिड्यूस करने की बात की जाए या फिशिंग को हम कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं तो इसमें हम उस फिश के हैबिटेट के ऊपर भी ध्यान रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड स्टेटमेंट है कि ये सिर्फ रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन को बढ़ाने की ही बात कर रहा है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि तो यहाँ पर सिर्फ रिकवरी के ऊपर फोकस नहीं है उस हैबिटेट की हेल्थ के ऊपर भी फोकस है तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई आंसर बना वन एंड टू यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए आई होप आपको समझ में आया हो डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं साथ के साथ नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर स्पीशीज दैट इज स्टेटमेंट अबाउट सी क्यूम्बर दीज आर पार्ट ऑफ लार्ज एनिमल ग्रुप कॉल्ड एक्लिनोडर्म एंड आर इनवर्टिब्रेट that lives on the sea floor there are about 1250 species of sea cucumbers all of which belongs to taxonomic called helothuria uh, uh, thuroidea they are found in all marine environment throughout the world from shallow depth to deep sea environment the sea cucumber are protected species as per सेट्यूडल वन ऑफ वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अब इसमें आपसे एक बार फिर से पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है और आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से कितनी स्टेटमेंट ठीक है वन टू ओनली थ्री ओनली ऑल फोर या नंन कितनी स्टेटमेंट इसमें ठीक है जरा तो एक बार अंदाजा लगा के देखिए जी क्वेश्चन नंबर थ्री का क्या आंसर रहने वाला है दो स्टेटमेंट ठीक है ठीके? ठीके, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपके एनिमल ग्रुप से ही बिलोंग करती है जिसके अंदर इसकी शेप तो ककी जैसी है बट इसके स्मॉल टेंटिकल्स होते हैं मतलब छोटे छोटे हाथ पांव होते हैं जिसके थ्रू ये मूव करती है ये आपको ओशन की डेप्थ में ही देखने को मिलती है मतलब आप ये कह सकते हैं कि शेलो टू डीप ओशन में ही आपको आपको जनरली देखने देखने को को मिलती मिलती है है एंड यस इसकी 1250 से ज्यादा स्पीशीज तो यहां पर आपकी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन अगर बात की जाए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की तो इसके शेड्यूल टू में आती है ना कि वन में क्योंकि तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रोटेक्शन होते हैं शेड्यूल वन में तो वो जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी लीस्ट कंसर्न या आप ये कह सकते हैं कंसर्न कैटेगरी में ही आती है तो इस अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी कंजर्वेशन की अगर बात की जाइए न्यूज में क्यों थी तो अभी इंडिया के जो मन्नार वाला एरिया है वहां पर कुछ मछुआरों को पकड़ा गया था जिनके पास स्पीशीज को रिकवर किया गया था तो इस वजह से ये थोड़ा न्यूज में रही थी तो यस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ओ सॉरी ऑल फोर यहाँ पर वैसे शेड्यूल टू में आती है आई एम श्योर अबाउट दिस तो यहां पर या तो शेड्यूल टू होगा अदरवाइज स्टेटमेंट तीन ठीक है आपकी चौथी तो स्टेटमेंट गलत है नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन कुरकुमा ताक अ न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज हैज बीन सिंटली डिस्कवर्ड इनकुमा ताक चिंग्स एक नई फ्लावरिंग स्पीशीज है ये आपको कहां देखने को मिलता है ये वो स्पीशीज के नाम है जो शायद आपने कभी करंट अफेयर्स में नहीं सुने होंगे इट्स वाई ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर जो नई स्पीशीज आपके डिस्कवर होते उस केस में जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मणिपुर मणिपुर में अभी रिसेंटली इस स्पीशीज को ढूंढा गया फ्लावरिंग प्लांट की तो इसको आप एक तरह से ये कह सकते जैसे हल्दी होती ना उसी लाइक प्लांट किंगडम में उसी स्पीशीज वैरायटी को ये बिलोंग करता जैसे हल्दी हो गई आपकी जिंजर होगी उस वैरायटी को ये बिलोंग करता तो यस दैट इज देयर मणिपुर में आपको ये देखने को मिली थी ये इसका करेक्ट आंसर नाउ इसमें आपसे पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग आई आई टॉर्नियस टॉर्नियस नो डॉन टम टेक, प्रोनाउंसिंग हि इज क्वाइट डिफिकल्ट आपको यहां पर पांच नाम दे रखे हैं हाउ मेनी ऑफ दीज आर इनवेसिव एलियन स्पीशीज इन इंडियन कंटेक्सट आपको बताना है इनमें से कितनी भारत के कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं इन्वेसि स्पीशीज है पर नाउ हम प्रोनाशिएशन मुश्किल है तो दैट्स व्हाई आई विल स्किप दैट पार्ट कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें आप देखो अगर बात की जाए मोस्ट ऑफ देम आर लाइक इनवेसिव स्पीशीज बट इसमें ना ये जो आपका साइनोडॉन है साइनोडॉन जो ये ये जो स्पीशीज आपको देखने को मिलती है ये हिंदू रिलीजन में काफी इंपॉर्टेंट है आपने देखा होगा गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाई जाती है ध्रुवा पता है ना जो घास जैसी दिखती है आपकी घास में मिल जाती है उसको तोड़ के गणेश जी को चढ़ाया जाता है तो so बेसिकली ये जो साइनोडॉन है ये आपकी स्पीशीज इंडिजिनस है इंडिया में मिलती है बाकी जितनी भी स्पीशीज ये खासकर इसके बारे में तो आज भी हमने बात है जो इंडिया से बिलोंग नहीं करती है बट स्टिल बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिलती है जैसे अगर बात की जाए ये स्पीशीज आपकी अमेरिका की नेटिव है ये जो आपकी पोगोस तो पोगो समनों जो स्पीशीज है ये बेसिकली आपकी मेक्सिको वाले एरिया में देखने को मिलती है एंड अगेन अगर ये ऊपर वाली स्पीशीज की बात की जाए तो ये आपको अमेरिका में देखने को मिलती है तो यहाँ पर जनरली आपकी जो स्पीशीज हैं यस दे बिलोंग्स टू एक लाइक like, आपकी कैटेगरी है इनवेसिव एलियन स्पीशीज उससे बिलोंग करती है। अब ये इनवेसिव एलियन स्पीशीज होती क्या है इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं वैसे इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन थ्री फोर अब यहाँ पर एलियन स्पीशीज स्पीशीज वो होती जो कि नेटिव नहीं है एक पर्टिकुलर एरिया की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर बंगाल टेरर के नाम से जैसे पहली स्पीशीज को जानते हैं टेरर ऑफ बंगाल ये स्पीशीज आपकी इंट्रोड्यूस की गई है किसी इकोसिस्टम में बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड यहाँ पर इसका कोई भी आप ये कह सकते कि लोकल प्रेडेटर मौजूद नहीं होता वजह से ये स्पीशीज बहुत तेजी से बढ़ती है इनकी पॉपुलेशन और ये कारण बनता है जिसके वजह से यहां पर लोकल पॉपुलेशन आपके डिस्टर्ब होती है तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली फोर ओनली फोर नाउ अस कम टू फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पाइडर रिसेंटली ये न्यूज में दिखा था आर एंडेमिक टू नीलगिरी Tantula species listed in Appendix 2 of CITES Convention, which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? One only, two only, both one and two. हाँ जी जल्दी से देखिए तरंतुला बेसिकली आपको वेस्टर्न घाट के नीलगिरी में मिली है मकड़ी की स्पीच ये न्यूज में इसी थी इसमें ना एक खास बात ये देखी जाती है जो मेल है उनका साइज एज कंपेयर टू तो फीमेल स्पाइडर कम होता है छोटे साइज के होते हैं तो इस वजह से ये काफी हावनी लगी थी एंड यहाँ पर तन की बात की जाए तो ये अपेंडिक्स टू में आते साइड्स के यस yes, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है नीलगिरी वाले वेस्टर्न घाट वाले एरिया में मिली इस वजह से इसको हमने पूछा तो आंसर बन गया सी ऑप्शन अब यहां पर एक बार फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग Frank tag, horn tag corals. They are listed as critically endangered on IUCN red list due to threats like bleaching disease storms. Targeted conservation efforts have enabled localized recovery and repopulation of staghorn corals in the certain coral reef of Caribbean. They are found in ट्रॉपिकल वाटर ऑफ अटलांटिक ओशन ओनली दे आर टॉलरेंट टू थर्मल स्ट्रेस एंड एंडिडेंट रेजिस्टेंट टू कोरल डिजीज अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्टैग हॉर्न कोरल्स है क्या कि कोरल्स की तरह ही दिखते हैं बट ऊपर हॉर्न इनके होते हैं तो इस वजह से इसे स्टैग हॉर्न क्या जाता है एक सिंगल हॉर्न इसके ऊपर देखने को मिलता है तो इस वजह से इसका नाम स्टैग हॉर्न कोरल्स पड़ा हताश मत होना अगर आंसर गलत हो रहे हैं वी आर लर्निंग हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं कुछ चीज़ हमारे को नई पढ़ने को मिल रही है तो हो सकता है कुछ गलतियाँ करें अब ऐसा नहीं होता मैं एक चीज़ बताता हूँ आपने बचपन में जब चलना स्टार्ट किया होगा तो ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आप दौड़ने लगे कुछ ऐसे मौके आए होंगे जहाँ पर आप गिरे होंगे संभले होंगे और फिर चलना आपने शुरू किया होगा भागना नहीं चलना तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है हो सकता है कि अभी आपके आंसर सही नहीं लग रहे हो बट इन्हें जब आप देखोगे और एग्जाम में सेम इससे कोई क्वेश्चन आ गया तो यकीन आप वहां पर गलती नहीं करके आएंगे मुझे इस बात का यकीन है आप सब तो आइए अब देखते हैं इस कोरल के बारे में देखिए ऐसा नहीं है कि इसकी रिकवरी सिर्फ और सिर्फ और कैरेबिन पार्ट में आपको देखने को मिलती है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रॉपिकल वाटर में आपको देखने को मिलते नॉट जस्ट अटलांटिक पैसिफिक ओशन हो चाहे आपका इंडियन ओशन हो अटलांटिक ओशन हो सभी के ट्रॉपिकल वाटर्स में आपको देखने को मिलते स्पीशीज तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत दूसरी चीज कि इसकी रिकवरी सिर्फ और सिर्फ इन एरियाज में देखने को मिली तो नहीं ऐसा नहीं तो यहां पर के अलावा आपको बाकी एरियाज में भी लाइक रिकवरी देखने को मिली है और इसी तरह से जब आप लोकलाइज एफर्ट कर रहे हैं कंजर्वेशन के इसी चीजों से अब यहां पर बात आती है कि भाई जैसे आमतौर पे आपकी कोरल रिएक्ट करती है कि वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है वो कहीं ना कहीं लाइक सॉल्ट कंटेंट से भी सेंसिटिव होती है एसिडिक मीडियम हो वाटर का ज्यादा एसिड हो उससे भी ये सेंसिटिव होती है तो यस yes, वहां पर अगर देखा जाए तो ये ब्लीचिंग डिजीज और storm, इन सभी चीजों के वजह से क्रिटिकली कैटेगरी में आती है आयुसी तो हाँ यहाँ पर आपकी पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है और चौथी गलत बिकॉज ये टॉलरेंट नहीं है थर्मल जैसे बाकी कोरल्स हैं इनके ऊपर भी टेम्परेचर का उतना ही असर मिलता है और ऐसा नहीं है कि ये आपको लाइक बियॉन्ड जैसे पोलर एरिया में देखने यस yes, ये टेम्परेचर आपके लिमिटेड टेम्परेचर के अंदर ही देखने को मिलेगी यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो डैट इज ऑप्शन डैट इज ऑप्शन एंड अगेन मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं इस चीज से हताश मत होना हम जब चलना सीखते हैं तो बेशक हजारों बार गिरे होंगे साइकिल चलानी सीखी होगी तब भी गिरे होंगे आपने टू व्हीलर चलाना सीखा होगा बाइक मोटरसाइकिल या आप लाइक कोई स्कूटर तब भी आप गिरे होंगे तो उससे डरना नहीं उस चीज के परे जाना है हमें प्लीज डोंट वरी अबाउट इट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैडिसकूमी कुमी सॉरी लीमा कुमी इट इज अ न्यू स्पीशीज ऑफ बैडिस फिश स्पीशीज डिस्कवर्ड इन मेघालय

आपने बता कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ एंड टू ना वन नॉट टू गुड क्वेश्चन टफ है अगर आपको नहीं पता लाइक दिमाकुमी जो है कहां पर मिली तो यू माइट नॉट बी एबल टू आंसर दिस बट यस

खास बात यह है कि एक कलर चेंज कर सकती है तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है बट फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है वजह तो आप से आपसे पूछा गया था यहां पर इनकरेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन वन यानी पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है बाकी दोनों ही मतलब दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है तो आंसर बन गया वन ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट अबाउट डुम्बो डुम्बो ऑक्टोपस दे आर नोन

ऑल दो आई नो आपने इस पीछेज के बारे में शायद ना भी पढ़ा हो बट येट आप एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए ऑक्टोपस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये पैसिफिक ओशन में मिलता है पैसिफिक ओशन में कहा कहते जी जहां तक आपका ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट वाटर मिलता हो उन सभी एरिया में आप इसको तो देख सकते हो तो यानी यहाँ पर अटलांटिक ओशन बोला है तो ये आपके सेकेंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई अब बात आत आती है कि क्या है? ये तेरह हजार फीट पे मिलता है तो इसका आंसर मैं इस तरह से देना चाहूंगा ये ओशन की बहुत गहराइयों में मिलता है तीन हजार से लेके चार हजार मीटर तक अगर तीन हजार से चार हजार मीटर को कन्वर्ट किया जाए फीट में तो कही कहीं ना कहीं तेरह के आसपास ही बनेगा तो रफली अगर बात की जाए तो यस दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू तो यहाँ पर डीप पोर्शन में मिलते हैं ये और लाइक खास बात ये है कि ये फॉस्फोरस और नाइट्रोजन क्रिएट करते हैं तो जिसकी वजह से ये जो नीचे वाले आपके ऑर्गेनिज्म है जैसे जब भी ये लाइक आप ये कह सकते हैं यूरिनेट या अपना रिलीज करते हैं तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन रिलीज करते हैं तो बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी इनसे फायदा होता है तो यस पर आपकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है थर्टीन थाउजेंड फीट मतलब कि तीन से चार हजार मीटर के आसपास यू यानी दो से तीन से चार किलोमीटर के आसपास तो आंसर बन गया फर्स्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन Consider the following statement about Paulson tortoise. It is called. It is also called African giant tortoise, tortoise, or Yellow Margin tortoise. Is a species of tortoise in South Africa. Are you seen red list categorized Paulson tortoise as vulnerable? Which of the above given statement is or are incorrect? One only, two only, both one and two, neither one nor two. आई द वन नॉट टू एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए वन या थ्री चलो अगर आपको पता हो ना डी दलापी करके एक आपका डेजर्ट है ये डेजर्ट कहां देखने को मिलता है ये मेक्सिको में देखने को मिलता है और इसे चिंचना डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है तो इसे कई बार अफ्रीकन जाइंट टोटाइज कहा जाता है नॉट अफ्रीकन मैक्सिकन कहा जाता है मैक्सिकन अफ्रीकन यस येलो मार्जिन इसका नाम है अगर बात की जाए तो साइट के अपेंडिक्स वन में आ जाती है ये स्पीशीज एंड uh, पर इसकी बात की जाए तो वनरेबल कैटेगरी में ही आती है आयुष अब इसको सबसे बड़ा थ्रेट क्या है बेसिकली इसके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इसको सबसे बड़ा थ्रेड आपको देखने को मिलता है यहां पर पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हुई तो इस वजह से आंसर बनेगा ओनली इसका आंसर बनेगा ओनली अब चलो मैनिस मिस्त्रिया वाज इन न्यूज इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ दस्ट्रॉइड बेनू

ऑल दो पेंगोलिन स्पीशीज अगर बात की जाए तो इंडिया में जैसे चाइनीज पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन ये दो स्पीशीज मिलती हैं पेंगोलिन आपके लाइक like, आप ये कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स हैं जो कि अपनी एक इनकी खूबी है इनकी स्किन काफी ना हार्ड होती है अगर कोई बाहर से अटैक करना है तो ये अपने आप को ऐसे झुका लेते हैं और ऐसे रोल करते हैं इसके बारे में यूपीएससी ने पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी स्पीशीज ऐसी है जो रोल करती है तो इस वजह से थोड़ा ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता एंड अगर बात की जाए ये दोनों ही पेंगुलिन मतलब ये जो पेंगुलिन की बात की जाए तो बेसिकली ये पेंगुलिन जो है ये आपके लाइक like नर्दर्न पार्ट खासकर नॉर्थ ईस्टर्न और नर्दर्न पार्ट वहां पर ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं सदर्न पार्ट में भी ऑल दो देखने को मिलते हैं तो वेल well डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके बारे में इतना ही याद रखना कि इसकी एक स्पीशीज अभी

It is listed as a vulnerable species and is protected under Schedule 2 of Wildlife Protection Act 1972. It is designated as State Animal of Kerala in recognition of its ecological and cultural significance. How many of the above statement is or are correct? 1 only, 2 only, only 3, all 4. हाँ ये जो आपकी ना पेंगोलिन थी ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए काफ़ी जानी जाती है एक कहा मतलब एक कथनी है चाइना में जिसमें ये कहा जाता है कि भाई पेंगोलिन के जो जो स्किन है ना अगर इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और इसे इनटेक किया जाए तो इट इंक्रीजेज सेक्शुअल ड्राइव मतलब लाइक जो वो होती ना जो पर्सन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान तो उनके लिए चाइनीज मेडिसिन में इसको यूज किया जाता है एंड इवन कई लोग इसके मीट के लिए भी पेंगोलिन के इसको लाइक मारते हैं तो वाइल्ड वाइड स्केल पे इसकी हंटिंग की जाती है।, तो है थोड़ा आपके लाइक uh, कैटेगरी like, में आ जाता है यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो बात की जाए वरे इस नाम से बेशक नीलगिरी ताहिर को लोकल टेक्स्ट में जाना जाता है नीलगिरी ताहिर का जिक्र अक्सर संगम लिटरेचर में भी हुआ है अगर बात की जाए नीलगिरी ताहिर पर्टिकुलरली आपके नीलगिरी एरिया में इंडेमिक है और ये वहाँ के ही सिर्फ शोला फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलता है तो इसकी वजह से क्योंकि वहाँ पर आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में इंडेंजर्ड कैटेगरी में? में आता है और इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है एंड इवन रिकवरी प्रोग्राम में भी इसे कंसिडर किया गया है अब अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट दोनों ही इनकरेक्ट है तो आपकी सिर्फ दो ही स्टेटमेंट ठीक बनेगी यहाँ पे पहली और दूसरी

अगर बात कीजिए गन्नौड की ना तो बेसिकली ये वार्म वाटर में मिलने वाली एक स्पीशीज एक स्पीश है दिगा आपका एक हार्बर है ना यहाँ वेस्ट बंगाल में तो ये वहां पर अभी पाई गई है तो इट्स अ स्पीशीज ऑफ फिश वार्म वाटर फिश है जनरली एंड दिगा जो आपका पोर्ट है बंदरगाह वहां पर इसे ढूंढा गया है तो अ ऑफ फिश याद रखना next consider the following statement regarding state of, uh, state of indian birds 2023 state of indian bird 2023 was released by zoological survey of india only distribution range size within india is one of the three primary indi indices to assess bird population the bird species that are specialist as opposed to generalist species are rapidly declining. Which of the above statement is correct? One and two only, two only, two and three only, all of the above. So <laughs> बात क्या करें हमारे इंडिया के अकॉर्डिंगली हमारे जो लाइक टीचिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली नाम थोड़े डिफिकल्ट हो गए हैं हाँ जी बाकी इसको एक बारी चेक कर लीजिए सिर्फ एक का ही जवाब है देखो इस रिपोर्ट का नाम था कैट आर किलिंग बर्ड्स जो जैसे आप बिल्लियां देख रहे हैं ना कि बर्ड्स को मार रही हैं खासकर अगर बात की जाए तो जो आपके स्पेशलिस्ट बर्ड्स है इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है एज कम्पेयर टू द जर्नलिस्ट जो स्पेसिफिकली जो किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं किसी स्पेशलाइज एरिया में मिल रहे हैं उनकी पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है यस थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट अगर बात की जाए स्टेट ऑफ बर्ड इंडियन बर्ड बर्ड टू थाउजेंड तो ना केवल जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके अलावा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वाइल्ड लाइफ इंडिया वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया इन्होंने मिलकर मतलब ग्यारह बारह आपके इंस्टीट्यूशन है उसमें से मेजर मेजर बता रहा हूँ इन्होंने मिल के ये रिपोर्ट पब्लिश की है अब इसमें इन्होंने तीन इंडाज को यूज किया था एक तो लॉन्ग टर्म जो इनकी पॉपुलेशन है उसको ऑब्जर्व किया गया लाइक थर्टी ईयर कैसे इनकी पॉपुलेशन रही है एक करंट इनकी पॉपुलेशन को मेजर किया गया जिसमें सात साल का लाइक ड्यूरेशन देखा गया कि इसकी पॉपुलेशन किस तरह से ऊपर या नीचे गई है एंड यहां पर तीसरा इंडाइसिस कि कितने एरिया में ही आपकी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है ठीक so yes, है थर्ड स्टेटमेंट ठीक है आंसर बनेगा सी ऑप्शन यहां पर याद रखना कि जो आप आमूमन कैट्स वगैरह देख रहे हैं उनकी वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन थोड़ी कम हो रही है यह इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया है और ऑलमोस्ट सिक्सटी नाइन परसेंट आपकी जो बर्ड्स की स्पीशीज़ है उसको थ्रेट है 69 से ज्यादा भारत में स्पीशीज मिलती है उसमें से सिक्सटी नाइन परसेंट के ऊपर ये थ्रेट है टू न्यू पलम मानस पांडवाना पलम पल palappi manas, Manus gondwana, Palpimanus manas have been found in conservation site of rajasthan desert national park and sholapur, which is home to critically endangered bird-like great indian bustard. they are maroon in color, a unique feature they share with other two species in their genesis of palaminiidae. तो यहां पर आपको बताना है क्या है ये टू न्यू सिक्लुएंट स्पीशीज ऑफ इंडियन डेजर्ट मतलब जो आपके जैसे कैक्टस जैसे स्पीशीज होते हैं वैसी प्रजाति में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ मॉनिटर लिजर्ड टू न्यू स्पीशीज ऑफ बर्ड और टू न्यू स्पीशीज ऑफ स्पाइडर वैसे शायद कि हमने जब नेशनल पार्क पढ़े थे तब भी इसके बारे में पढ़ा था जहां तक मुझे याद है Uh, थर्सडे की बात होगी हमने इसके बारे में जिक्र किया था थर्सडे को थर्सडे नहीं वेडनेसडे को तो yes, यस ये आपकी दो तो स्पाइडर की नई स्पीशीज है जो कि आपको इस एरिया में देखने को मिली है ये वेमनेस है मतलब जहरीली है अगर काट जाए तो पर्सन की डेथ तक हो सकती है तो यहाँ इसके बारे में इतना ही था नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट व्हाइट सांबर डियर स्पॉटेड इन कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व्हाइट कलर ऑफ डियर इज कॉज कंडीशन इन विच मेलेमाइन इन द एब्सेंट सांबर डियर आर स्पॉटेड लिस्टेड एज वनरेबल स्पीशीज़ पर स्पीसी स्टेटस वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइद वन नॉट टू कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है हाँ जी सी स्टेटमेंट यहां पर ठीक है देखो इसमें ना मेलेमाइन की कमी नहीं है मेलेमाइन जैसे आपको पता होगा जैसे हमारी जो स्किन है वो ब्राउन कलर की है क्योंकि हमारी बॉडी में मिलेमाइन मिलता है अंग्रेजों की बॉडी में ना मिलेमाइन नहीं है तो उनकी जो शरीर है वो वाइट रहता है मिलेमाइन की कमी की वजह से नहीं है यहाँ पर पिगमेंट ही मिसिंग है नेम ऑफ दिस बट यस यहाँ पर पिगमेंट्स नहीं है यहाँ जिसकी वजह से एक्चुअल में ये प्रॉब्लम रहती है नॉट बिकॉज ऑफ मेलेमाइन कमी की वजह से नहीं है तो ये पहली स्टेटमेंट गलत होगी पिगमेंट्स की एब्सेंस की वजह से है ये बीमारी अगर सांबर डेयर की बात करें इस तरह का तो ये पहला केस नहीं है इससे पहले भी आपको बांदीपुर में ये इंस्टांस देखने को मिला था 2014 में ऑल कावेरी रिवर वाले जो एरिया है यहाँ पर संगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पर ये पहला केस है ऐसी फोटो जो आप खींच के लेके आए हो मीन्स पहली बार इसकी फोटो खींची गई है दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव इट तो यस स्टेटमेंट आपकी करेक्ट बन वजह से आंसर बनेगा करेक्ट बताना था ना यस करेक्ट बताना था तो आंसर बनेगा टू ओनली नहीं जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है uh, कई बारी लाइक यू कैन जेनेटिक डिसऑर्डर टाइप ही कह सकते हो जिसमें पिगमेंट ही मिसिंग हो गया बट बहुत रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस है मतलब देखो मेलेमाइन की कमी की वजह से आपको व्हाइट टाइगर्स देखने को मिलते हैं मेलामाइन की कमी की वजह से बट दिस नॉट द केस विद सांबर सांबर के साथ प्रॉब्लम क्या है पिगमेंट्स की मिसिंग uh, होने की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये चीज देखने को मिलती है तो so यस yes, यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन हम जरा एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो

क्लौ सिजो स्टेचियम स्टेचियम यस क्लौ सिजो स्टेचियम सिजो स्टेचियम का नाम है अन्य मानिकम पुराना नाम क्या है सिजो स्टेचियम अंडे अंडे मानिकम अब देखो जिसके नाम में यहां पर क्या आ रहा है तो ढंग से पढ़ो अंडे मानिकम लिखा है अंडे मान आ रहा है मीन्स ये कहां पर मिलना है अंडे मान एंड निकोबार में मिलते हैं ऑल दो लाइक अगर बात की जाए इस की, तो इसकी कई वराइटीज आपको नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी देखने को मिलती हैं बट पर पर्टिकुलरली इस चीजो की बात की जाए तो ये पर्टिकुलरली आपको सिर्फ और सिर्फ अंडमान में ही तो लक्षद्वीप नहीं है पहली स्टेटमेंट गलत होगी यस इट इज बायोडिग्रेडेबल और नॉन टॉक्सिक है और रिप्लेस कर सकते हैं प्लास्टिक स्टॉक को इसी वजह से कि पेटेंट को अप्लाई किया था यहाँ पर बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ताकि दूसरी कंपनी इसका फायदा ना उठाए तो प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए ये काफी कारगर साबित हो सकती है तो यहाँ पर आपसे पूछा गया करेक्ट ऑप्शन तो पहली स्टेटमेंट गलत है दूसरी ठीक है तो आंसर बनेगा पी ऑप्शन

इंडिया प्रीमियर सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर ग्रीन बिल्डिंग इनिशियटिविच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अब इज और आर करेक्ट वन एंड टू ओनली टू ओनली थ्री ओनली वन एंड थ्री ओनली सुधीप नाम को अगर ढंग से देखा होता तो ईजी था क्वेश्चन ना इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन तो जहाँ तक मुझे याद है तेरी नहीं कॉन्फिडेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया सी करके एक इंस्टीट्यूशन है इसने इसको डेवलप किया नॉट तेरी पहली चीज़ तो ये और जहाँ तक बात की जाए इसकी तो लाइक 2001 में इसे इनिशिएट किया गया था नॉट लाइक like 2010 के आस जहाँ पर फोकस ये ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिस को हम प्रमोट करेंगे जहां वेंटिलेशन को हम प्रॉपर इंश्योर करेंगे लाइटनिंग के लिए प्रॉपर स्कोप छोड़ेंगे और बिल्डिंग्स में एनर्जी कंजम्पशन को कैसे रिड्यूस किया जा सके इसके ऊपर तो yes, तो इसका आंसर बन जाएगा yes, पूछे ना हाँ करेक्ट पूछा है तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी अगर इनकरेक्ट पूछा होता तो बनता है ऑप्शन डी करेक्ट पूछा है यहां पे नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सम टेल्ड मकाओ इट इज अ स्पीशीज ऑफ मकाओ नेटिव टू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इट इज जर्नल एंड प्रिमरली फ्रुग एनिमल दैट लिव्स इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव एवरग्रीन फॉर इसी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू वन नॉट टू जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए को अगर बात की जाए ये ब्राउन कलर का आपका मकाव है तो बेसिकली आपको पहाड़ों वाले इलाकों में देखने को मिलता है अराउंड टू किलोमीटर या टू थाउजेंड मीटर की हाइट पे लेवल से अब ये जनरली आपके छोटे मोटे जैसे फ्रॉक्स को खा लेगा या लाइक छोटे मोटे बर्ड्स के अंडों को खा लेगा एंड जैसे फ्रूट्स को खा लेगा कुछ लीव्स वगैरह को खा लेगा तो यस ये इस कैटेगरी में आता है और एक्टिव डे टाइम में एंड अगर बात की जाए पर्टिकुलरली सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ब्रॉडली एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये को मिलता है यस yes. so, तो सेकेंड स्टेटमेंट वो तो करेक्ट है अगर बात की जाए ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है तो यस म्यांमार वगैरह एरिया में और हमारा जो है उसमें भी ये देखने को मिलता है एंड इवन कंबोडिया वगैरह उस साइड चले जाओगे तो उस साइड भी ये देखने को मिलता है तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन

The mainland clouded leopard is distributed from central iraq to peninsula malaysia the mainland clouded leopard is tagged vulnerable of iucn status red list which so of the following statement given above is correct 1 and 2 only T and 4 only T only 2 and 3 बट like, बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है अगर इस स्पिश के बारे में बात की जाए तो यस आपने अगर आई सेज मूवी देखी होगी तो उसमें जो आपका साइबर है उससे लाइक मिलता जुलता है इसके जो दार्त है ना ये शिकार वाले ये कंपेरिटिवली तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट कलाइंस लिखा हुआ है

इन एरिया में देखने को मिलता है नॉट एवरीवेयर मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे एशिया में ऐसे इराक से लेके मलेशिया तक नहीं फैला हुआ है जो आपका हिली पार्ट है खासकर ये जो जैसे सदर्न पार्ट ऑफ चाइना हो गया भूटान हो गया नेपाल हो गया इंडिया हो गया पाकिस्तान का कुछ टेरिटरी हो गया अफगानिस्तान का कुछ टेरिटरी हो गया या सेंट्रल एशिया का जो टेरिटरी हो गया वहाँ पर ये देखने को मिलता है और ये वनडेबल कैटेगरी में आता है सी लिस्ट के अकॉर्डिंगली तो यस सेकंड और स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हुई आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन अब एक बार रिसेंटली ग्रेट निकोबार आइलैंड वाज न्यूज ड्यू टू एनवायरमेंटलियन यूनियन गवर्नमेंट्स टू थाउजेंड करोड़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रिगार्डिंग दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज फ्रॉम ग्रेट इंडियन ग्रेट निकोबार आइलैंड ट्रू सॉरी ग्रेट निकोबार, सरपंट ईगल निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर निकोबार मेगा पोर्ट हाउ मेनी ऑफ द अबव हाउ मेनी ऑफ द स्पीशीज मेन्शन अबव आर बर्ड्स वन ओनली ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री ओनली फोर अगर निकोबार श्रो की बात की जाए तो बेशक ये थर्टिन कैटेगरी में आता है इसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का असर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है निकोबार सरपेंट ईगल की बात करी जाए ये भी थर्टिन कैटेगरी में आता है इसके ऊपर भी इम्पेक्ट देखने को मिलेगा कि निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर की बात करें तो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है और लाइक ये इसके पार्ट में लाइक नहीं बनता है यहाँ पर शायद क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है हमें यह देखना था कि इनमें से कौन सी स्पीशीज थ्रटन कैटेगरी में आती है कैटेगरी ऑफ बर्ड में आती है निकोबार मेगा ये भी आपका थ्रेटन कैटेगरी में आता है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये लीस्ट कंसर्न में आता है फ्लाई कैचर इसको निकाल दिया जाए तो बेशक यहाँ पर आंसर बनेगा सी ओनली अदरवाइज इसका कोई तुक नहीं बनता बाकी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन This is the following statement about hulog gibbon hulog gibbon unique to indian northeastern northeast is one of the 20 species of gibbon on earth the global gibbon network was established with the mission of safeguarding and conserving africa's unique natural heritage in recent study have proven the genetic analysis that there is only one species of hulog gibbon in india फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अब इज करेक्ट वन ओनली वन एंड थ्री टू एंड थ्री टू थ्री ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है असम में मिलने वाले हल्ला गिबन के बारे में आपसे पूछा गया है नॉर्थ ईस्ट में मिलता है इंडिया के और इसमें कहा गया कि भाई तो लाइक आपको कुछ चीजें जानने के लिए कहेगी कि पहले ऐसा माना जाता था कि भारत के अंदर दो तो गिबॉन की स्पीशीज तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर एक ही मिलती है स्टडी ये पब्लिश किया था बिकॉज जीनोम सिक्वेंसिंग हमने इनकी कंडक्ट की थी तो यस ये पार्ट आपका ठीक हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में मिलता है ये तो मैंने आपको बताया ही और ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको बी स्पीशीज गिबॉन की देखने को मिलते हैं विच आर वेरी रिलेटिवल टू होमोसीपिय हमारे से बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन में है अभी जो ग्लोबल गिबॉन नेटवर्क है ना ये अफ्रीका में नहीं एशिया में नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करने के ऊपर फोकस तो यहां पर लाइक सेकंड स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है फर्स्ट और थर्ड ठीक है तो करेक्ट आंसर बनेगा वन एंड थ्री एलिगेटर गार फिश व्हिच इज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू क्रोकोडाइल फिश एलिगेटर फ्रॉग रिसेंटली ना ये स्पीशीज आपकी डल लेक में मिली और इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है बेसिकली ये यूएसए के आसपास या नॉर्दर्न अमेरिका में ये स्पीशीज देखने को मिलती है फ्रेश वाटर में और ये अभी डल इको के लिए एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है क्योंकि लाइक प्रॉब्लम तो रहती है अभी इसके बारे में लाइक ज़्यादा नहीं बताऊंगा आप एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें अगर बात की जाए एलिगेटर गार ये बेसिकली एक फिश की स्पीशीज है मछली की जो कि आपकी कहाँ पर मिली डल लेक में मिली अब ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण ये यहाँ पर पहुंच गई जिस वजह से अभी डल इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है बिकॉज ये जो फिश है ना ये तकरीबन तीन फिट तक लंबी हो सकती है और आसपास के इलाके में कोई इसका प्रेडेटर नहीं है तो जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और बिकॉज फूड की लाइक like, जो लाइक like, रिक्वायरमेंट होते बाकी स्पीशीज को भी रहती है तो बाकी जो प्रिडेटर्स हैं उनको फूड नहीं मिल पा रहा है तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी लाइक like, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है एरिया में यस इसका आंसर क्या है पी ऑप्शन रिसेंटली रिसर्चर ऑफ मिजोरम यूनिवर्सिटी एंड मैक्स प्लैंक फॉर बायोलॉजी जर्मनी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लाइंगीको इन मिजोरम Eco, what type of, which of the following? Bird, lizard, flying, uh, sorry, butterfly, fish. कोई फूड ब्लॉगर को ये खा गया तो ये फेमस और हो जाए इट्स अ काइंड ऑफ थोड़ा डेंजरस है हाँ जी टाइंगी को बेसिकली आपके लिजर्ड से बिलोंग करते तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था ना कोई टफ नहीं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विद रेफरेंस टू मसाई मसाई फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट The Masai giraffe population is native to Tanzania and southern Kenya. IUCN has declared it as endangered species in 2019. Which of the following statement is? जहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ऑल दो आपको नहीं पता होंगे बट कोशिश यही है कि आपको उन चीज़ों से रूबरू करवाया जाए जिसमें क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अगर आप में से किसी ने भी ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा जनरली इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलते हैं तो मैंने कोशिश यही की है कि टोटली उसी पैटर्न पे मैं इन क्वेश्चंस को लेके आऊँ तो अपनी इन्वायरमेंट सिर्फ जो थी अल्टीमेटली यहाँ पर हम एंड करते हैं इसके बाद कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा जिसमें से बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन आते हों मतलब मार्क्स की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो इन टॉपिक के अलावा और बाकी एरिया में आपको मेहनत तो खुद से करनी ही होगी बट मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं बन पाते तो इस वजह से इस टॉपिक को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे इन्वामेंट सेक्शन को कल से हम कुछ नया देखते हैं कुछ नई चीजें शुरुआत करेंगे इस एक से दो बजे के स्लॉट में एंड जिसमें कोशिश ये रहेगी कि अपकमिंग प्रोलम्स में आपके मार्क्स को कैसे बेटर किया जा सके आज इस सीरीज को एंड करते हैं एनवायरमेंट यहीं तक ही था जैसे मेजर मेजर जो पार्ट्स थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे उन सभी को मैंने कवर कर दिया देखो इकोनॉमिक्स आपको नानकी मैम ही कराएंगे बहुत जल्दी वो भी इस तरह की भी इस के करंट अफेयर बेस्ड सीरीज लेके आने वाले हैं क्वालिटी की भी आएगी तो वेरियस अदर थिंग्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं तो इन पाइपलाइन है जैसे ही ये मेरा अभी सेशन खत्म हुआ है इसके बाद हो सकता है कि किसी और की कोई क्लास स्टार्ट हो तो विल ट्राई हम फिगर आउट करेंगे कि क्या कुछ आपके लिए कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही था आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो धन्यवाद